पहले युवाओं से भेंट मुलाकात, फिर संविदा कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी और अब जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि संविदा कर्मियों के बाद सीएम बघेल जूनियर डॉक्टर्स के आगे झुक गए हैं। तभी उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने का ऐलान कर दिया और खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये जानकारी शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमने जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया है। इस प्रकार पीजी फर्स्ट ईयर करने वाले जूनियर डॉक्टर्स को 67,500 रुपए मिलेंगे। अभी तक उन्हें 53,550 रुपए मिल रहे थे। पीजी सेकंड ईयर करने वाले जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 56,700 से बढ़ाकर 71,450 किया गया है, जबकि पीजी थर्ड ईयर करने वाले जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 59,200 से 74,600 रुपए किया गया है। वहीं एमबीबीएस करने वालों को 15,900 रुपए मिलेंगे। इससे पहले तक उन्हें 12,600 स्टाइपेंड मिल रहा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की संख्या करीब 3,000 है। ये सभी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। ये डॉक्टर्स पढ़ने के साथ साथ इलाज भी करते हैं। हाल ही में इन्हीं डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की थी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। सुबह से ओपीडी में रहने वाले जूनियर डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे, उनकी जगह रेगुलर स्टाफ ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए। करीब 6 महीने पहले भी ये डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं। उस समय सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। वहीं अब जाकर सीएम बघेल ने जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को पूरा किया है। अब लोग इसे चुनावी गेम मान रहे हैं ताकि कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।